नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के आए दिन हो रहे बिजली कटौती के विरोध में युवाओं द्वारा अमहिया स्थित बिजली विभाग में युवा नेता अतुल पांडे के नेतृत्व में लगभग आधा सैकड़ा युवाओं ने प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर युवा नेता अविराज ने कहा कि शहर में आए दिन अघोषित बिजली कटौती हो रही है, लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अघोषित कटौती व मनमानी बिल की समस्या शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है। युवाओं ने कहा कि समस्या का जल्द अगर समाधान जिम्मेदार अधिकारी द्वारा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हम आपको बता दें, बीते कई महीनों से रीवा शहर में लगातार बिजली की कटौती हो रही है। कहीं मेंटेनेंस के नाम पर तो कहीं बिजली गड़बड़ी के नाम पर यह कटौती की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने और कहने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि हम लोग बिजली कटौती से बेहद ही परेशान है, जिसके चलते युवाओं द्वारा बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कई युवा उपस्थित रहे।